और अब बात हरियाणा की। हरियाणा में तीन निर्दलीय विधायकों की तरफ से समर्थन वापसी के ऐलान के बाद सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार मुश्किल में आ गई है। इस बीच बीजेपी के सहयोगी रह चुकी जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी। हालांकि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दुष्यंत पर तंज कसते हुए फ्लोर टेस्ट की मांग को खोखला बताया। हुड्डा ने कहा कि जेजेपी के विधायक तो दूसरों के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। दो महीने पहले जो सरकार बनी थी आज बहुमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले दो MLA, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दिया, और तीन MLA इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, गवर्नमेंट से गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे, और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे। तो असेंबली सेशन होगा, उसका पता लगेगा, बाकी जो है हमारा प्रतिनिधि जो मंडल जाएगा मोहन साहब को मिलेगा, और दुष्यंत चौटाला जी अपने 10 MLA लेके आ जाए, हमारे पहुंच जाएंगे है, और सरकार को नैतिकता आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन बना के जनादेश लेना चाहिए लोगों ने। मैंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया, एक महीने का भी कम समय है, और अब जब समय आएगा, क्योंकि अब हाउस चलेगा, हाउस के अंदर जब बात होगी तो ज़रूर उसको पूरा करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनको जल्दी लग रही है, मेरे ख्याल से थोड़ी मेरे ख्याल से जल्दी में है। हमारे साथ जन का विश्वास भी है, पूरा विश्वास है, लोगों का भी विश्वास है, कांग्रेस जन का विश्वास खो चुकी है और वो भी खो चुकी है।